अरे मैडम क्या कर रही हो? अरे क्या 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 तुम पुलिस वाले हो के ये सब कर रहे हो? पागल हो क्या? पागल नहीं हम यानी तुम नकली पुलिस हो? नकली नहीं है, मेरे को छोड़ो पहले तो पहले एक सेकंड क्यों छोड़े एक मिनट क्यों छोड़े अरे छोड़ो पुलिस वाले हाथ पकड़ना पकड़ना पुलिस वाले हो गए हाथ उठा रही तू तेरी इतनी हिम्मत तू हाथ उठा गया हम पे प्लीज ले चलो ले चलो ले चलो अरे तो यही खत्म कर देगी तेरे को। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं दूर बोल रहा हूँ। देख ले तुम पुलिस है। अरे मैं पुलिस हूँ तो लड़की को बचा। अरे तुम कानून के रक्षक हो फिर तुम भक्षक क्यों बन रहे हो? छोड़ो इसको। छोड़ो। अरे तू निकल। अरे छोड़ो इसको। देखिए नहीं पुलिस हो गई पुलिस कानून के अरे गुरु क्या इसकी इज्जत पर हाथ डाल रहे हो तुम क्या छोड़ो क्या क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या रहे तुम लड़की को छेड़ रहे हो लड़की अरे शर्म मानी थी छोड़ दी तुम्हें ये चोरी करके बाकी है चोरी कर रहे हो इसको क्या हुआ अभी क्या 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 चोरी की है इसने हां क्या चोरी की है ये तो बताओ मुझे नहीं पता था पुलिस वाले ऐसे होते हैं छी आ तू बकवास कर रहे हो बकवास मत कर मुझे तो मैं जानती भी नहीं हूं मैं चोरी करके बाकी है क्या चुरा है ये तो बताओ क्या चुरा है तुम्हारा इसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं क्या तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगा तुम पुलिस वाले हो एक लड़की की इज्जत पर तुम हाथ डाल रहे हो ये दिखा आई कार्ड दिखाओ आई कार्ड दिखाओ कौन है तुम कौन कौन हो तुम मैं आम नागरिक हूँ फिर मुझे अपना कार्ड क्या आई कार्ड देखने पाओ ऐसे सरेआम तुम लड़की पे क्या जरूरत अगर लड़की ने अपराध किया है तो लेडीज पुलिस ही अरेस्ट करेगी उसको अच्छा तुम सरेआम पकड़ोगे हम लेडीज पुलिस की वेट करती है क्या लेडीज पुलिस की वेट करेंगे हां तो तुम्हें करनी पड़ेगी लड़की को हाथ पकड़ लेंगे पुलिस ही आएगी यहां पे समझ रहे हो तुम लोग चले यहां से क्रॉस मत करो कौन जरूरी डॉक्यूमेंट चुराए मैं अभी असली पुलिस को क्या क्या डॉक्यूमेंट चुराए हैं क्राइम के डॉक्यूमेंट थे हमारे वो चुराए ने नहीं इसने क्या क्राइम किया है डॉक्यूमेंट तुम्हारे डॉक्यूमेंट का ये करेगी क्या ये तो बताओ तुम ये सब बताओ क्या करेगी ये तुम तो बता सकते हो क्यों थे क्या किस लिए उठाया उसने है हम अच्छी तरह जानते हैं बकवास मत करो चोर और कोई होगा झूठ मत बोलो कौन है झूठ मत बोलो तुम बोल रहे हो ये भी आपके पड़ोसी लगाना हाथ आज के पड़ोसी अभी नहीं फाड़ दी ना लगा इस लड़की को हाथ तुम फाड़ोगे हां तुम फाड़ोगे हां हम फाड़ेंगे हम ही तुम्हारी वर्दी फाड़ेंगे आप लड़की को नहीं तुम तो हम भी वर्दी का लिहाज कर रहे हैं वरना अभी तक पता नहीं क्या कर देते क्या कर देते हमारी बहन बेटी है नहीं तुम्हें कुछ कर सकते हो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्या कोई पुलिस पुलिस तो क्या मैसेज पे चढ़ोगे क्या तुम नहीं बोल रहे हो आप क्यों आपका मतलब क्या है तुम्हारा क्या मतलब है तुम आती जाती लड़की को चोरी हमारे मामले में बीच मत आओ कौन है हमें ले जाने दो उसको अरे ऐसे कैसे उठाए जाए ऐसे कैसे भागी तो हम यहाँ है ना हम लेके खड़े हो तुम लेडीज पुलिस को बुलाओ जाओ मैं पता तुम भी इसके साथ दे रहे हो अच्छा हम साथ दे रहे हैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे हम इसको लेके जा रहे हैं नहीं तुम अगर असली पुलिस हो तो लेडीज पुलिस को यहाँ बुलाओ और वो इसको लेके जाएगी मेरे को फोन दे मैं अभी फोन नंबर पे फोन करता हूँ मैं बताता हूँ तुम्हारे को पुलिस डिपार्टमेंट फोन नंबर पे फोन करो लो 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 करो 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 लॉक तो खोलो इसका अंकल जल्दी करो अभी मैं लाता हूँ मैं खोलता हूँ एक मिनट पता नहीं कैसे गुंडे गुंडों को हरकतें कर लिया पुलिस में अच्छा ये हरकतें कर रही और तुम क्या कर रहे हो तुम हरकतों से बढ़कर ऊपर जा रहे हो तुम इस लड़की को तुमने छुआ कैसे अभी बताता हूँ तुम्हारे को हाँ बताऊँ बेल जा रही है क्या भाई साहब हाँ बेल गई ये देखो मेरे पास फोन तुम्हारे पास कैसे आई क्योंकि हम पुलिस है अरे पुलिस होकर तुम लड़की को क्यों छेड़ रहे हो फिर सुनो 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 लड़की नहीं है ये है तो लड़की ही लेकिन ये पुलिस वाली है पुलिस वाली इंस्पेक्टर अर्चना सांगवान तुम भी पुलिस में बैठे जी फिर बैठे तो ये क्या ड्रामा कर रखा है मैं बताता हूं अंकल नहीं हमने कोई कसूर किया है क्या आपने कुछ नहीं किया मैं बताता हूं तो सही एक बार हम एक प्रैक्टिकल कर रहे थे कि रास्ते जाती लड़की को कोई छेड़ता है तो आस पड़ोस के लोग या राहगीर कोई बचाता कि नहीं बचाता और आगे मैडम बताएंगे ये एक्चुअली हमने एक मिशन की तैयारी कर रहे हैं हम गर्ल्स पावर आजकल क्या है कि रोड पे चलती हुई लड़कियों को लड़के छेड़ते हैं और लड़कियां शर्मिंदगी को लेकर के चुप हो जाती हैं उनके माँ बाप भी उनको चुप कर देते हैं ऐसा क्यों कई बार है ना देखो पुलिस की वर्दी देख के कई लोग झिझक जाते हैं आके मदद करें कि ना करें ठीक है
हम आप दोनों को सल्यूट करते हैं कि आपने हमारी वर्दी को इग्नोर करके आपने लड़की की हेल्प करनी चाहिए। सर आपको सलाम है। देखो आप, एक सामाजिक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हमारे आसपास जो हमारी आंखों के आगे अगर कोई ऐसे इस प्रकार का हादसा हो रहा है और हम अपनी नजरें या मुंह फेर के वहां से चले जाएं तो शायद हमारे को भगवान माफ नहीं करेगा। तो मैं यही बात ऑडियंस को भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास इस टाइप की कोई हरकत या हादसा होता है, क्योंकि ये तो चलो भाई असली पुलिस वाले हैं लेकिन कई बार डुप्लीकेट ड्रेस पहन के भी इस प्रकार के हादसे होते हैं, तो उनकी भी अच्छी तरह से इंक्वायरी करें। और इस प्रकार का अगर कोई भी गुंडागर्दी, क्योंकि आजकल आए दिन हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ किडनैपिंग करके उनका रेप किया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, तो पुलिस अकेली कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम पब्लिक को भी, पुलिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले दिनों में अपने देश को, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।